आने वाली आपकी जितनी फिल्म है ना, सब ओटीटी के बजाय बड़े बड़े थिएटर में बड़े बड़े पर्दे पे दिखे। और एक और पिक्चर ने गजर मचाई है सर। तो अक्षय कुमार पे आपने जैसे कहा कि उनकी भी यहाँ पे आप कंटिन्यू 3 डेज फुल दिया है, ओ माय गॉड। हाँ जी, हाँ जी। पिछली जो आई थी सेल्फी, थोड़े से नाराज हो गए थे। हाँ, इस बार अक्षय कुमार का जादू वापस बॉक्स ऑफिस पे चला है। बिल्कुल, आपको क्या कहना है? बस यही कहना है कि अक्षय कुमार इसी तरह प्रगति करते रहो, ओटीटी की तरफ मत जाओ। बड़ा स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन होता है, बड़े स्क्रीन का साउंड बड़ा होता है, बड़े स्क्रीन के अंदर एटमोसफियर बड़ा होता है, खास करके गेटी गैलेक्सी आके देखो तो सही, कितनी बुमा बम, कितनी चिल्लम चिल्ली होती है। और उसमें जो देखने की मजा आती है, अक्षय जी मेरे परम मित्र हैं, मेरे परम दोस्त हैं, और उनसे यही सलाह है कि देखो ना, OMG 2 चला के दिखाया ना सर, हाउसफुल दिखाया ना सर। आज भी हाउसफुल है 15 अगस्त के दिन। आपको इंडिपेंडेंट की शुभकामनाएं अक्षय जी इनके थ्रू, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिएगा। और मेरी एक ही ख्वाहिश है, आने वाली आपकी जितनी फिल्म है ना, सब OTT के बजाय बड़े बड़े थिएटर में बड़े बड़े पर्दे पे दिखे। और आप नंबर वन एक्टर है, नंबर वन एक्टर रहे, मैं ये चाहता हूँ। ओके, ओ माय गॉड से और क्या उम्मीद है सर? आपको क्या लग रहा है कि अगले हफ्ते और कितने हफ्ते तक इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा, इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्ट ड्रामा। यामी गौतम ऑपोजिट साइड से, पंकज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी, लेकिन सब ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। ऑफकोर्स परेश रावल को तो कोई छू नहीं सकता, लेकिन अभी क्या करें, इसके अंदर ये है और बहुत मज़ा आ रही है। और अब मेरे वहाँ आज भी फूल है, जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे सभी थिएटर फूल है। बस थोड़ी विवादों में अटक गई थी पिक्चर। हाँ, कुछ 27 कट मिले थे सर, 27 कट मिले थे, विवादों में अटकी थी। और एक्चुअली अक्षय जी की पिक्चर तो विवादों में अटकनी चाहिए नहीं, लेकिन मालूम नहीं क्या इसमें गड़बड़ थी। जो भी था, आइंदा संभालिएगा। और सर कमाल कर रहे हैं, और कमाल और करिए, OTT को छोड़ के कमाल करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं जाते जाते ये बताना चाहूँगा सर आपको, मैंने आपके यहाँ पे पब्लिक से जब पूछा कि एडल्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था या नहीं, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। मैक्सिमम लोगों के साथ मनोज देसाई भी आ जाता है, एड्रेस पिक्चर मिलने, एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं थी। कहाँ क्या चुक कर गए CBFC वाले, सेंसर बोर्ड वाले, और कहाँ हम चुक कर गए, यानी मैं अक्षय की तरफ से बोल रहा हूँ कि ये एड्रेस पिक्चर हो गई। जो भी है, अक्षय जी, अक्षय का मतलब क्या होता है? जिसका क्षय कभी नहीं होता, उसको बोलते हैं अक्षय। सर लगे रहो और देखो आगे, जैसे आपकी सब सुपरहिट गई, ऐसे बाकी पिक्चर भी सुपरहिट जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बोलना चाहूंगा मनोज जी आपके कीमती समय के लिए। एंड हम चाहेंगे कि गदर और ओ माय गॉड ऐसे ही बॉक्स ऑफिस पे आपके यहाँ पे और सारी दुनिया में गदर मचाते। और सर एक और पिक्चर ने गदर मचाई है सर। यस सर। और वो पिक्चर रजनीकांत की है सर, जेलर। उसने कमाल किया, एक शो खाली नहीं जा रहा है और लोग मरे जा रहे हैं उसकी टिकट के लिए। और मैं नेक्स्ट वीक भी चलाऊंगा। तो 72 की एज में ये आदमी ने ऐसा कमाल किया है कि वो पिक्चर कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो भगवान की दया से ऐसा पीरियड बॉलीवुड में वापस आ गया है कि हमारे वहाँ भर भर में पब्लिक आ रही है। अभी आज 15 अगस्त का भी आपने बाहर शूटिंग किया है सर, मुझे प्लीज़ भेजिएगा, मैं मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को आगे भेजूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वापस आपके आपके पास जवान के बारे में पूछने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सितंबर की पिक्चर है, बड़ी पिक्चर, बहुत वापस शाहरुख खान की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट।